नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, धनतेरस आ रही है। 13 अक्टूबर के दिन धनतेरस है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथों में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए। धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया था। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि धनतेरस के दिन एक ऐसी चीज़ घर लेकर आनी है जिसे लाने से आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, हम धनतेरस पर बहुत सारी खरीदारी करते हैं, न जाने क्या क्या वस्तुएं लेते हैं, लेकिन मात्र एक वस्तु लेने से सुख, धन और समृद्धि आ जाती है। सुख और धन समृद्धि का त्यौहार ही धनतेरस होता है। धन्वंतरी चिकित्सा के देवता भी है, इसीलिए उनसे अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं या चांदी खरीदते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन दोस्तों आपने थोड़ा सा नमक खरीद लेना है। दोस्तों, नमक खाद्यान्न आइटम है, खाने की वस्तु है। नमक को धनतेरस के दिन घर लाने से आपके घर पर दोस्तों माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस पर नमक घर पर लाने से घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। नमक से घर में नकारात्मकता को ख़त्म हो जाती है और सकारात्मकता घर में भर जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन एक वस्तु को लाना नहीं भूलें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।